मंगलवार को गांधी भवन सभागार में नवगठित निगम बोर्ड की होने वाली बजट बैठक से पूर्व भाजपा की प्री जीसी पूर्व महापौर भाजपा के समस्त पार्षद और मेयर रहे मौजूद। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मंगलवार 16 मार्च को सुबह 11 बजे से गांधी भवन सभागार में नवगठित नगर निगम बोर्ड की पहली बजट बैठक आहूत होने जा रही है। बजट बैठक के लिए जहां 2 दिन पहले कांग्रेस के 18 पार्षदों ने इंडोर स्टेडियम में बैठक कर रणनीति बनाई, तो वहीं सोमवार को इंडोर स्टेडियम के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित समस्त पार्षदों ने मेयर बृजलता हाड़ा के नेतृत्व में प्री जीसी आयोजित कर एजेंडे में शामिल बिंदुओं पर चर्चा की। प्री जीसी की जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने बताया कि बैठक में पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत का सानिध्य मिला। इस दौरान नव निर्वाचित पार्षदों को बैठक के नियमों की जानकारी के साथ ही किस तरह से मुद्दों को उठाना है और किस तरह से उनका समर्थन करना है, यह समझाया गया है। हाड़ा ने बताया कि बजट बैठक के लिए कई सार्थक सुझाव और निर्णय भी लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 20 सालों से अजमेर नगर निगम को अर्बन डेवलपमेंट टैक्स नहीं मिल पा रहा, जिससे निगम के राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। निर्णय लिया गया कि टैक्स वसूली के लिए किसी प्राइवेट फर्म को टेंडर दिए जाएंगे ताकि निगम की आय बढ़ सके। इसके अलावा और भी कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद निगम के पार्षद आयोजना समिति के चुनाव में भाग लेने जिला परिषद पहुंचे। आज हमने यहाँ इंडोर स्टेडियम में प्री जीसी को लेकर के एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी हमारे पार्षद उपस्थित है और हमारे पूर्व महापौर जी भी साथ में उपस्थित है, और एक विस्तृत चर्चा सभी बिंदुओं पर, जो हमारे 6 एजेंडे के प्रस्ताव उन पर सभी पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः बजट है। बजट को लेकर के अच्छी चर्चा हुई और सब सार्थक सुझाव सब क्या है, और जैसे यूडी टैक्स वसूली को लेकर के अभी चर्चा चल रही है तो उसमें भी सबके सार्थक सुझाव है और सबको संतुष्टि करने लायक सुझाव है। साथ में ये निर्णय किया जा रहा है कि भाई एक विस्तृत जानकारी और ले लें, अगर कुछ भी शंका लग रही है किसी विषय पर तो एक विस्तृत जानकारी लेते हुए उसको पास करना है। तो जैसे प्रस्ताव ऐसे हैं कुछ के, ऐसा लग रहा था कि सभी की शंका थी कि कहीं इसमें कोई और गड़बड़ नहीं हो, लेकिन सभी संतुष्ट हो रहे हैं और एक विस्तृत चर्चा उन्हीं सभी प्रस्तावों पर चल रही है। साथ ही साथ जो हमारे जिला आयोजना समिति के भी जो है हमारे यहाँ चुनाव होने हैं, उसी को लेकर के भी आज इसके बैठक के पश्चात हम 3 बजे वहाँ निर्वाचन का जो कार्य होगा उसमें मतदान हेतु ये सभी पार्षद इसके बाद वहाँ जिला परिषद भी जाएंगे। अच्छा भाई साहब, क्या मानते हो ऐसे में कांग्रेस की पूरी तैयारी होगी कल की पीजीसी में? कांग्रेस के पास देखिए कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि जो भी ये आप प्रस्ताव देखेंगे तो इतने बढ़िया प्रस्ताव है शहर के विकास के लिए और आवश्यक प्रस्ताव है, चाहे वो ऑटो ट्रिपिंग का हो, चाहे जैसे अभी 60 वार्ड है, 60 वार्ड से हम 80 वार्ड हो गए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी सफाई को लेकर के, तो 60 से 80 को लेकर के जो व्यवस्था करनी थी वो हमने विगत एक महीने के अंदर हमने ये व्यवस्था करी है कि 60 वार्डों से लेकर के हम 80 वार्डों पे सफाई ठेका वापस से देने जा रहे हैं और ये 1-2 दिन में वापस चालू हो जाएगा। जो 80 वार्डों के नए जो वार्ड बने, 20 नए वार्ड जुड़े, उनका ठेका हमने तुरंत प्रभाव से पिछले 15 दिन में तैयारी कर करके हम जीसी में प्रस्तुत हो रहे हैं। नई योजना जैसे एक शहर को लेकर के एक जो आय बढ़ाने का लेकर के एक चर्चा चलती है, बार बार सभी बोर्ड आते हैं, सभी पार्षद आते हैं, सबकी ये राय रहती है कि भाई नया एक कुछ हो, नई इनकम हो, तो उसको लेकर के इसमें प्रस्ताव में है कि यूडी टैक्स जो है 300 गज से ऊपर के जो जितने भी मकान बने हुए हैं या जितनी ज़मीन है 300 गज से ऊपर का, उनका टैक्स यूडी टैक्स लगता है अपने शहर में, लेकिन पिछले लगभग समझ लीजिए 18-20 सालों से वो जितने मकानों का दिया जा रहा है वही चला आ रहा, और इस कोरोना काल में तो इस साल बिल्कुल ही इनकम नहीं हुई। तो यूडी टैक्स को ठेके पर देने की एक व्यवस्था चल रही है पीपी मोड पर, उसमें ये रहेगा कि कोई भी कंपनी, तो वो तो बाद में टेंडर कॉल होंगे, लेकिन कोई भी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करे और हर एक मकान का जो भी अजमेर शहर में है मकान 300 गज से ऊपर का है उसका पूरी तरह उसको सूचीबद्ध करे, हर एक मकान को सूचीबद्ध करे, अगर उसमें कॉमर्शियल है तो उसको भी सूचीबद्ध करे, तो उसका कॉमर्शियल टैक्स भी हो जाएगा, साथ ही साथ जितना उसका यूडी टैक्स बनता है
वो भी हो जाएगा, कुछ परसेंटेज उसका वो कंपनी लेगी, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। जैसे निगम को अगर हम इसी काम में लगाएं तो हमें 2 या 3 साल लग जाएंगे उस स्पीड पर पहुंचने में। तो वो स्पीड जैसे वो जो भी हमारा पीपी मोड पे जो भी कोई ठेका लेता है, कोई बाहर की कंपनी या शहर की कंपनी, तो वो हमको तेज़ी आएगी, साथ ही साथ हमको इनकम मिलेगी, पारदर्शिता होगी, जो मकान हमको आज टैक्स नहीं दे रहे वो टैक्स हमको मिलने लगेगा। स्मार्ट सिटी को लेकर के जैसे हमारे पार्षदों की कई बार परेशानी रहती है और नाराज़गी भी रहती है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के जितने भी इंजीनियर हैं क्या कर रहे हैं, शहर में क्या चल रहा है, हमारे किसी पार्षद को या किसी निगम के कर्मचारी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उनके जो भी अभियंता हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, कभी भी ड्राइंग कहीं के कहीं कर देते हैं। एक ज्वलंत मुद्दा आप देख लीजिए, तो जो बाटा तिराए वाली भुजा को देख लीजिए, बाटा तिराए वाली भुजा जब अपन मदार गेट से अपने बाटा की तरफ जाएंगे मार्टर ब्रिज को चढ़ने को, तो आप एक ट्रांसफार्मर इतना देख लीजिए कि अगर आपको बाटा की तरफ घुसना है, उस केसरगंज को मुड़ना है, तो आपको मुड़ने के लिए आपको वापस मार्टर ब्रिज जा करके केसरगंज सर्किल से होते हुए उस वापस से आना पड़ेगा। तो ये जो ड्राइंग है कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंचाने की खातिर इतनी ख़राब ड्राइंग बनाई गई, जबकि स्मार्ट सिटी में इतना पैसा लगाया गया, लेकिन पूरा कार्य जो हो रहा है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, न तो शहरवासियों के लिए न जनप्रतिनिधियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूं। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना यह संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।